ड्राइविंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। ये ड्राइव टेस्ट सेंटर्स हैं, जैसे अगर आप पीटरबरो में रहते हैं तो 749 अर्सकिन एवेन्यू, यहाँ आपको जाना पड़ेगा ताकि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट दे सकें। ऐसी ओशवा वाले हैं आप या वहाँ रहते हैं तो मिड टाउन मॉल पर जाना पड़ेगा आपको। तो ये सारी जगह हैं, और आप जो अगर जगह ये चेंज भी होती है तो drivetest.ca पे एक बार चेक कर सकते हैं। जो जो चीज़ें हैं ड्राइविंग की वो शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज़ है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ये हर गाड़ी के हिसाब से चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी दूसरे की गाड़ी से अलग होती है। तो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक ऐसी ऑटोमोबाइल का गेयरबॉक्स होता है जहाँ पर गेयर रेशियो चेंज होता है बड़े अपने आप, जब कार या ट्रक ड्राइवर जिसमें उसको चेंज नहीं करना पड़ता है मैनुअली गियर को, गियर अपने आप चेंज होते हैं। और एक यानी कहने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं। अलग अलग जो सिलेक्टर लेवल है उस व्हीकल पे, जैसे आपने कहा ये पी मतलब ये है कि पार्किंग। इसी तरीके से आर देखिए ये रिवर्स है, एन न्यूट्रल है, डी ड्राइव है, और ये D3 और D2 का मतलब ये है कि ये आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंजन गियर है। जैसे अगर आपको ऊपर चढ़ना हो, किसी हाइट पे चढ़ना हो या नीचे की तरफ जाना हो डिक्लाइनिंग हिल पे, तब इसको आप यूज़ करते हैं। पी की बात करें तो अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये ध्यान रखिएगा कि अपना जो ओनर मैनुअल है आपकी गाड़ी का, जिसको आप ले जाने वाले हैं इस ड्राइव टेस्ट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है। ये तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे होती है। जैसे पी है पार्किंग, जब पार कर रहे हैं आप व्हीकल को तो आप चाहते हैं कि ये गाड़ी मूव ना करे, इसीलिए आप इसको पार्किंग पे रखते हैं। रिवर्स, जब आप पीछे की तरफ जा रहे होते हैं तब यहाँ पर लाना पड़ेगा या आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपके गियर डिसेंगेज हो गए हैं, ट्रांसमिशन आपने अनलॉक कर दिया है व्हीकल का, और ट्रांसमिशन अनलॉक हो गया है और व्हीकल को अब आप आगे या पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं। और डी ड्राइव का मतलब ये है कि अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ जाएगा, और आप यहाँ पर जो गियर की शिफ्टिंग है वो हो सकती है। लेकिन फिर भी ये एक एग्जाम्पल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी देखनी है वो कैसी आपकी है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ प्री ड्राइविंग हैबिट्स होती हैं। इससे पहले कि आप कार में एंटर करें, आप एक सर्कल चेक यानी कि कार का पूरा एक सर्कल लगा के देख लें, इसको हम कहते हैं सर्कल चेक। आप अपने गाड़ी के अराउंड घूमिए, टहलिए, और ये देखें कि टायर ठीक है कोई, जब आप, क्योंकि ये समय सबसे गंभीर होता है जिस समय आप आगे पीछे जाते हैं, तो आगे पीछे कुछ है तो नहीं, कहीं व्हीकल से कुछ लीक तो नहीं हो रहा है, क्या आपकी लाइटें प्रॉपर काम कर रही है, क्या आपका लाइसेंस, आपका इंश्योरेंस और ओनरशिप कार्ड आपके पास है। इसे हम कहते हैं सर्कल चेक, ये आपको जरूर करना चाहिए, इसे हम कहते हैं प्री ड्राइविंग हैबिट्स। अब करेक्ट स्टॉपिंग पोजीशंस क्या है, किस जगह पे आप रुकेंगे, क्या इस लाइन के ऊपर रखेंगे, क्या इससे कुछ मीटर दूरी पे रुकेंगे, क्या आप, क्योंकि ये देखिए स्टॉप दिख रहा है आपको, आपको कहाँ रुकना है। जैसे ही आप स्टॉप साइन देखेंगे तो आपको इस स्टॉप साइन को ऑनर करना पड़ेगा, ओवे करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्टॉप मतलब स्टॉप, स्टॉप का मतलब है स्टॉप, यानी आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, रुक जाइए। अब किस तरीके का इंटरसेक्शन है, इसको हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हम इसको क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ इस ये जो इंटरसेक्शन है, या ये कहें चौराहा, चौराहा कहते हैं, तो ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का इंटरसेक्शन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रुकेंगे। अगर एक स्टॉप साइन है जिसमें क्लियरली एक सॉलिड लाइन आपको यहाँ दी गई है तो आप सॉलिड लाइन पे रुकेंगे, सॉलिड लाइन से थोड़ा सा, मतलब साइड लाइन पे नहीं रुकेंगे, सॉलिड लाइन बिलोंग्स टू जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो आप इससे पीछे रुकेंगे। अब अगर क्रॉस वॉक है, क्रॉस वॉक है तो वहां पर अगर स्टॉप साइन है तो आप क्रॉस वॉक पे रुकेंगे, उससे पहले रुकेंगे, और अगर स्टॉप साइन है साइड वॉक पे तो आप रुकेंगे कहाँ पर, एज पे, जो साइडवॉक है उसके एज पे रुकेंगे, उसके ऊपर नहीं चले जाएंगे, उसके ऊपर नहीं रुकेंगे। और अगर स्टॉप साइन है आपका
मैं एक एक करके इसको बताता हूँ, ये चार चीजें हैं, इसको समझिए जरा। अगर आपको क्लियरली मार्क्ड लाइन यहां पर है, देखिए क्लियरली मार्क लाइन है तो इससे थोड़ा पीछे रुकेंगे। अगर ये क्रॉस वॉक है, अगर यहाँ पर क्रॉस वॉक है, कहने का मतलब यह है कि ये पेडेस्ट्रियन यहां से यहां तक जा सकते हैं, जाएंगे, तो आपको यहां पर रुक जाना है। ऐसी अगर आपका साइड वॉक है तो यहां पर आपको एज पे रुकना है इस जगह पे, और स्टॉप साइन और कोई क्रॉस वॉक नहीं या साइड वॉक नहीं तो आपको, ये देखिए आप यहां पर अपनी जगह छोड़िए लोगों को चलने के लिए या कोई भी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन जब अगर यहां पर कोई क्रॉस वॉक या एक ना क्रॉस वॉक है ना साइड वॉक है तो यहां पर आप इसके एज पे रुकेंगे। देखिए एज पे रुकेंगे इस जगह पे। ऐसे भी इंटरसेक्शन होंगे जहां पर इसके अलावा और भी साइन आपको मिलेंगे। तो ये जो जो व्हीकल है जो स्टॉप होगा सबसे पहले, वो सबसे पहले जाएगा। अगर दो व्हीकल एक साथ एक जगह पे रुक रहे हैं तो आपको किसको राइट ऑफ द वे देना है। इफ टू व्हीकल स्टॉप एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ रुके, तो जो दाएं हाथ पे व्हीकल है जो राइट पे है उसका राइट है पहले, वो पहले जाएगा। तो अलग अलग आपके साइंस हैं, इसको समझिए जरा, एक करके मैं आपको साइन बताता हूं। ये साइन कुछ इस तरीके से है कि पहला ये वाला देखिए, इसमें स्टॉप है फोर वे, ये थ्री वे, ये ऑल वे। फोर वे का मतलब होता है कि जितने भी इंटरसेक्शन है चार स्टॉप साइंस है, चारों मतलब एन इंटरसेक्शन विद फोर टॉप स्टॉप साइंस, चारों में स्टॉप साइंस है। इसी तरीके से थ्री वे है, ये आपका टी इंटरसेक्शन है, मतलब चौराहा नहीं है ये तिराहा है, और इसमें तीन स्टॉप साइंस है। और ये ऑलवेज स्टॉप मतलब सारे जितने भी डायरेक्शंस हैं उस पर आपको रुकना पड़ेगा, वो ऑलवेज स्टॉप है। अब जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं और लेन चेंज, ये कैसे करेंगे आप? देखिए लेन पे चेंज करना या लेन पे चेंज होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं रोड पे जो आप देख नहीं सकते, आपकी आंखों का की एक लिमिट है, एक विजन का एक दायरा है, और उससे आगे आप नहीं देख पाएंगे। आप किसका यूज करते हैं? आप अपने रियर व्यू का यूज, मिरर का यूज करते हैं, फ्रंट अपनी आंखों से देखते हैं। तो कई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो आप अपने मिरर से नहीं देख पाते, उनको हम ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं, जो हम देख नहीं पाते। जरूरी ये है कि आप ओवर द शोल्डर मतलब अपने कंधे तक अपना सर घुमाइए दाएं और बाएं तरफ, इसको हम ओवर द शोल्डर कहते हैं। कोई भी लेन चेंज करना है तो आपको दाएं बाएं आपके कंधे पर, कंधे की तरफ देखना पड़ेगा या कंधे तक जाना पड़ेगा जहां तक आपका सर घूमता है। तो देखिए ये एक पहला है, ये रियर व्यू है, ये जा रहे हैं रियर व्यू है, ये कहां तक जा सकता है? यहां से यहां तक जा सकता है ना, इसका व्यू ये है, फील्ड ऑफ व्यू ये कह रहे हैं हम। अब अगर आप लेफ्ट ये वाला मिरर देखें तो यहां तक आप देख सकते हैं, अगर आप राइट आप देखें, देखिए ये कवरेज यूजिंग बोथ, अगर आप ये भी देख ले, ये और ये पीछे वाला भी देख ले, तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ये एरिया आप नहीं देख पा रहे, ये एरिया आप नहीं देख पा रहे, एकदम से कोई यहां से ऐसे आ गया तब आप क्या करेंगे, ये इधर से निकल के आ गया, तो ये ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट चेकिंग कहते हैं। अब आपको चेंज कैसे करना है लेंस को, टू द लेफ्ट और टू द राइट। ध्यान रखिएगा कि यहां की ड्राइविंग अलग है, क्योंकि यहां पर जो ड्राइविंग है वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइविंग होती है। यानी कि जो कार अगर आपके सामने रखी है, आप कार के अंदर बैठे हैं, तो आप बाईं तरफ आपकी स्टेयरिंग होगी, लेफ्ट तरफ बाएं हाथ की तरफ स्टेयरिंग होगी, और जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो राइट हैंड पे ड्राइविंग है उसकी, उनकी राइट हैंड पे ड्राइव करते हैं। तो कैसे आप चेंज करेंगे लेन को, अगर लेन चेंज करनी है लेफ्ट के लिए, तो सबसे पहले तो आप सिग्नल देंगे लेफ्ट में, अपना पीछे का मिरर रियर व्यू मिरर आप चेक करेंगे, उसके बाद आप जो लेफ्ट साइड का मिरर है उस पर चेक करेंगे, अपने लेफ्ट शोल्डर मतलब बायां जो शोल्डर है उस पर देखेंगे यदि कोई ऐसा व्हीकल या ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। अगर आप सेफ देख माने तब आप लेन ए पे जाएंगे, ऐसा यानी इस जगह पे आप लेन ए पे कब जाएंगे, जब आप सब देख लेंगे ब्लाइंड स्पॉट अपने इस मिरर से, रियर व्यू मिरर से चेक करेंगे, उसके बाद आप इस लेन पे जा सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको यहां पर जाना है राइट पे जाना है तब क्या करेंगे, यही काम होगा, सिग्नल करेंगे राइट का, पहले सिग्नल करना पड़ेगा, फिर
फिर रियर व्यू से देखना पड़ेगा, राइट साइड मिरर पे देखना पड़ेगा, अपने शोल्डर मतलब अपने सर को पूरा घुमाना पड़ेगा उस तरफ ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है। उसके बाद अगर आप सेफ मानेंगे तब आपको चेंज करना है। अब जो पेवमेंट लेन मार्किंग है, पेवमेंट लेन मार्किंग, अब इसको थोड़ा समझिएगा कि क्या क्या होती है। ये जो लाइन मार्किंग है, जहां पर आप चल रहे हैं, जिस रोड पे चल रहे हैं, उसमें कुछ मार्किंग्स होती हैं अलग अलग, वो इस रोड को डिवाइड करती हैं। तो इसमें इसकी क्या इंफॉर्मेशन थी? कभी आपको एकदम येलो इस तरीके से मिलेंगी, ये येलो लाइन है जो ट्रैफिक को सेपरेट कर रही है, मतलब सेपरेट इस तरीके से कर रही है कि एक हमारी गाड़ी इस तरफ से जाएगी, यहां से आने वाली इस तरफ से जाएगी आएगी। जो वाइट लाइन है वो सेपरेट करती है जब सेम डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं, यानी कि आप भी इस तरफ जा रहे हैं, आपके साथ वाली गाड़ी भी इस तरफ जा रही है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब आपकी वाइट लाइट होती है। और यहां पर आप देखें कि दो लाइनें हैं, एक तो पहले तो येलो है, कह लिया येलो है, इसमें एक पूरी सिंगल एक आपको ब्रोकन लाइन मिल रही है, एक ब्रोकन लाइन है और एक प्रॉपर लाइन है। इसका मतलब ये होता है इफ इट इज सेफ टू डू सो यू मे क्रॉस द ब्रोकन लाइन टू पास द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ यू। कहने का मतलब ये है कि यदि सेफ, अगर ये इसका मतलब ये है कि ये अगर सेफ हो तो आप क्रॉस कर सकते हैं ब्रोकन लाइन को, इस ब्रोकन लाइन को, ताकि आप पास कर सके। अगर आप, क्योंकि येलो का मतलब मैंने क्या बताया, दोनों एक ही डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब ये दोनों आ जाती है तो बात चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप सेफली अगर लगे तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं ब्रोकन लाइन पे, ताकि आपके सामने जो व्हीकल है उसको क्रॉस कर सके। लेकिन इस जगह पे जब आपके पास दोनों की दोनों ही येलो लाइन है, पूरी प्रॉपर लाइन है, डॉटेड नहीं है, अगर इस तरीके से आए तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत अनसेफ है कि आप किसी को क्रॉस करें। आपको इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, इट इज अनसेफ टू पास एंड यू मे नॉट क्रॉस द लाइन। टू वे लेफ्ट टर्न लेन्स, टू वे लेफ्ट टर्न लेन्स, ये देखिएगा आप यहां पर आपका टू वे, ये जो साइन है ये आपको बता रहा है ये टू वे लेफ्ट टर्न लेन्स है। अब इसमें एक एक करके देखिए, ये जो कार ए है ये साइड स्ट्रीट से आ रही है और ये मेन स्ट्रीट पे आना चाहती है जहां पर एक बस लेन है। कार ए को अवॉइड करना पड़ेगा इस बस लेन को जब ये टर्न करे, पहली चीज। इस कार बी को देखिए, यहां पर ये मेन स्ट्रीट से आ रही है और ये मेन स्ट्रीट से आ रही है इस तरीके से, और ये इस तरफ से इस तरफ जाना चाहती है, यानी कि ये साइड स्ट्रीट पे जाना चाहती है जहां पर एक बस लेन है। तो कार बी को आपका शुड यूज द बस लेन, इस बस लेन को लेना पड़ेगा, वो यहां से नहीं जाएगी, वो इस बस लेन को लेगी और फिर यहां पर क्रॉस करेगी। ये टू वे लेफ्ट टर्न लेन्स बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्लास सी को देखिए, ये आप क्लास सी है, इसमें ये जो कार आप देख पा रहे हैं ये साइड स्ट्रीट से आ रही है और ये मेन स्ट्रीट पे जाना चाहती है एक लेफ्ट टर्न लेके। ये देखिए, यहां पर मेन स्ट्रीट पे आना चाहती है लेफ्ट टर्न लेके। तो कार सी को क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड करना पड़ेगा जो दो वे लेफ्ट टर्न लेन है, और इसको टर्न करना पड़ेगा मेन स्ट्रीट से डायरेक्टली, इस तरीके से मेन स्ट्रीट पे डायरेक्टली इसको टर्न करना पड़ेगा। कार डी को देखिए, यहां पर ये मेन स्ट्रीट पे आ रही है और ये इस यहां पर आना चाहती है, इस जगह पे आना चाहती है, तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, कार डी को जो मेन स्ट्रीट से आई है और इस राइट स्ट्रीट पे जाना चाहती है जहां पर टू वे लेफ्ट टर्न लेन है, तो कार डी को इसको टर्न करना पड़ेगा पहले टू वे लेफ्ट टर्न लेन, मतलब यहां पर आना पड़ेगा, इधर से नहीं करेगी, पहले इस ये यहां पर आएगी, ये टू वे लेफ्ट टर्न में, इस जो ये आप टू वे लेफ्ट टर्न देख पा रहे हैं यहां पर आएगी, उसके बाद फिर ये टर्न करेगी टू वे लेफ्ट टर्न लेन से यहां पर लेफ्ट टर्न लेने पर, यहां मतलब यहां आने के बाद ये लेफ्ट टर्न लेगी। एक और है इसमें कार ई, इसको ये दाएं हाथ पे जाना है, यहां पर इसको राइट टर्न लेना है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी लास्ट लेन में है, ये अपना राइट टर्न ले सकती है, राइट। तो ये तरीके हैं टू वे लेफ्ट टर्न लेन्स पे
आपको किस तरीके से जाना है वो उसके। एक 2 सेकंड रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में पूछा जाता है, जो 2-3 क्वेश्चन तो होते ही हैं इसके। तो ये जो 2 सेकंड का मतलब ये है कि 40% जो एक्सीडेंट होते हैं वो आगे पीछे वाले, यानी कि ये इनको इनकी गाड़ी को पीछे से, हमारे शब्दों में कहा जाता है, ठोक दे या टकरा ले, अरे गाड़ी ठुक गई यार, ऐसे बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से मैक्सिमम आप देखें कि हमारे यहाँ हेड ऑन हो जाते हैं, साइड से हो जाते हैं, यहाँ पर 40% करीबन एक्सीडेंट जिसमें आगे पीछे के टक्कर होती है। बहुत अगर करीब अगर आप इसके पहुंच गए तो ये टक्कर हो सकता है, हो सकता है ये एकदम से रुक जाए, हो सकता है आप अपनी स्पीड पे कंट्रोल ना कर पाए। इसी को हम टेल गेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल गेटिंग। तो जरूरी ये है कि आप एक बहुत सेफ डिस्टेंस पे चले, अगर आगे की व्हीकल एकदम सडनली रुक जाए तो जो 2 सेकंड रूल है ये एक आपको कुशन देता है, एक स्पेस देता है ताकि कोई कोलिजन ना हो। ये 2 सेकंड रूल है। आप क्या करें, आप एक ऑब्जेक्ट, एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, जैसे साइन है या ट्री है। तो जो आपकी सामने की गाड़ी है, अगर आप जैसे ही वो आगे आप देख रहे हैं तो 2 सेकंड काउंट करें, 1001, 1002, इस तरीके से 2 सेकंड करें। अगर आप उस ऑब्जेक्ट पे पहुंच गए जिससे पहले कि आप वो सामने वाली गाड़ी पहुंची, तो आप समझ लें कि आप बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, तो आप गाड़ी को थोड़ा सा धीमा करिए, फिर से काउंट करिए। अगर वेदर कंडीशन खराब है, क्योंकि जो नॉर्मली आप देखें कि इस क्षेत्र में, इस जगह पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको वेदर कंडीशंस हॉस्टाइल ही मिलेंगी, तो आप 4 सेकंड या 5 सेकंड इसको बढ़ा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट पकड़िए, 1001, 1002 देखिए, और आप वहां तक पहुंच गए, जब तक ये आगे बढ़ गई तो आपका ठीक है। ये 2 सेकंड रूल होता है। अब हैंड ओवर हैंड स्टीयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड ओवर हैंड स्टीयरिंग का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली हमारे क्षेत्रों में क्या होता है कि एक हाथ यहां पर रहता है और इसी से घुमाते रहते हैं, और या फिर एक ही हाथ से चलाते रहते हैं, एक हाथ में कोई और काम कर रहे होते हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो हैंड ओवर हैंड नहीं है। हैंड ओवर हैंड का मतलब ये है कि देखिए, जब इन्होंने इसको घुमाया और पूरी तरह घुमाने की कोशिश की, तो इन्होंने हैंड अपना ये दायां हाथ इधर ले आए, दायां हाथ इधर लाए, बायां हाथ यहाँ पर है, और फिर मूव करने की कोशिश की। यानी ये प्रॉपर स्टीयरिंग स्टाइल है जिसे हम हैंड ओवर हैंड कहते हैं, और ये आपको मदद करती है, हेल्प करती है, ताकि आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकें और साथ में कोई भी सिचुएशन के लिए क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके, आपका जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो सके। ये हैंड ओवर हैंड स्टीयरिंग होता है। इसके बाद है डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग क्या कहता है और क्या बोलता है? एक अच्छा ड्राइवर जो होता है वो डिफेंसिव ड्राइवर होता है, वो ऑफेंसिव ड्राइवर नहीं होता है। मतलब आप ये जानिए कि हो सकता है कि जो एक्सीडेंट हो, ऐसे समय हो सकता है जब आपका फॉल्ट ही ना हो, आपकी गलती ना हो। तो इस चीज को समझने के लिए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, आप चाहेंगे कि एक्सीडेंट ना हो, किसी और ड्राइवर की गलती के कारण एक्सीडेंट ना हो, तो कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी और आपको डिफेंसिव ड्राइवर बनना पड़ेगा। पहली चीज, जितने भी स्पीड लिमिट और साइंस है उसको आपको ओबे करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे जो व्हीकल है उसको ओवरटेक ना करें। अगर आप 30 मीटर या क्रॉसवॉक पे हैं, ना करें इस काम को। हो सकता है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो आपके पास, तो डू नॉट ओवरटेक अनदर व्हीकल बिसाइड यू इफ यू आर विद इन 30 मीटर्स ऑफ अ क्रॉसवॉक। अगर 30 मीटर करीब आपको क्रॉसवॉक दिख रही है तो आप ये काम ना करें, ओवरटेकिंग ना करें, से बचें। वेदर, जो भी वेदर कंडीशन हो, मौसम हो, रोड कंडीशन हो, उस हिसाब से आपको अपनी ड्राइविंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा पे चला रहे हैं और हर जगह हर वेदर में चला रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। अपने सीट बेल्ट हमेशा ऑन रखिए, हमेशा पहनिए, किसी भी कंडीशन में सीट बेल्ट को ना छोड़िए। इसको आपको अपना, अपने बच्चों का, अपने साथ जितने भी हैं उन सबको ध्यान रखिए कि वो पहन के रखें। और उसके बाद
अपना हॉर्न जो है उसको तब यूज करिए जब बहुत नेसेसरी हो, और आई कांटेक्ट रखिए पेडेस्ट्रियंस के साथ, अपने ड्राइवर्स और जितने भी साथ में जो गाड़ियां चला रहे हैं उनके साथ आई कांटेक्ट रखने की कोशिश करिए। 2 सेकंड का रूल अपनाइए, सेफ डिस्टेंस पे रहिए, और ख़ास तौर पे अगर बड़े व्हीकल हैं या ट्रक हैं उनके उनके उनसे थोड़ी दूरी बना के रखिए। जब 2 कारें आपके सामने हैं तो उसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि 2 कारें एक साथ आपके सामने चल रही हैं आजू बाजू। थोड़ा सा आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि आप एक जगह पे गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कुछ एस्केप रूट देखिए। अगर कोई बाय चांस प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एस्केप कहाँ से करेंगे? मान लीजिए कोई गाड़ी एकदम से रुक जाती है या आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि गाड़ी है, ऑटोमोबाइल है, कभी भी खराब हो सकती है, बीच रोड में खराब हो सकती है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको दिख गया कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है तो ये जरूर देखिए कि भाई हेड ऑन ना हो, आपस में सामने के सामने ना टकराए। आप ये कर सकते हैं कि उसको इस तरीके से घुमा दें कि मिनिमम जो कोलिजन का इम्पैक्ट हो मिनिमम हो, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय और कुछ तो नहीं सोचता है, आपको बस बचना है। मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा या फिर दुआ करूँगा कि ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी बचना है इससे। इसके बाद हमेशा जो ट्रैफिक है उसको चेक करिए सारे डायरेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन में मैक्सिमम आपके जो टकराव होते हैं, कोलिजन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन पे होते हैं। हमेशा अलर्ट रहिए, और जब थके हों आप, जब आप फटीग में हो, थकावट हो आपको, तो कभी भी ड्राइविंग ना करिए इसको। मतलब देखिए, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है, तो उसको रोकिए, एक आध दिन चलिए काम आपका नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बन रहे, उसको छोड़िए, लेकिन टायर्ड है तो मत करिए इसको। ब्लाइंड स्पॉट जहां पर है, जैसे मैंने बताया, जहां आप नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर ब्लाइंड स्पॉट पर ड्राइविंग मत करिए, खासतौर पर जहां से बसेस और ट्रक आ रही है। अगर मान लीजिए कोई एक गाड़ी कार खड़ी हुई है और उसने अपना डोर एकदम से खोल दिया, तब आप तब क्या होगा? तो सिटी में ये बहुत होता है, तो हमेशा तैयार रहिए कि कोई भी कार का डोर ओपन कर सकता है किसी भी समय। अगर आपको सेलफोन पे बात करनी है, खाना कुछ खाना है और मैप पे देखना है, तो ज़रूरी ये है, या फिर अपनी आदत बनाइए कि रुक जाइए, थोड़ा सा कहीं पे पुल ओवर कर लीजिए, उसके बाद देखिए फिर आगे बढ़िए। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा है, थोड़ा सा आप में वो है, कोई आपसे गाड़ी आगे बढ़ा रहा है, बहुत तेज़ चला रहा है, तो उससे कॉम्पिटिशन करने का कोई मतलब नहीं है, रोड रेज करने का कोई मतलब नहीं है। हमेशा मुस्कुरा के चलिए, कर्टियस रहिए, और जो आप लोगों को बढ़ने दीजिए आगे, कोई अगर बढ़ना चाहता है तो अपनी राइट लेन पे चलिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी अगर हम सेफ ड्राइविंग करना चाहते हैं तो, और डिफेंसिव ड्राइवर बनना पड़ेगा, कभी भी ऑफेंसिव मत बनिए। अब ट्रैफिक लाइट को देखिए ज़रा, ट्रैफिक लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। जो ग्रीन लाइट है, इस ग्रीन का मतलब होता है हरा, यानी कि आप हरे का मतलब हमेशा जब ड्राइविंग या फिर जब भी आप रोड पे आते हैं, हरे का मतलब है कि चलिए, आइए, जाइए। अब ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि बस चलिए, आपको इंटरसेक्शन पे देखना पड़ेगा कोई पेडेस्ट्रियन या कोई जो पैदल तो नहीं चल रहा है, उसको आपको पहला राइट ऑफ द वे देना पड़ेगा। और राइट टर्न, जब भी आप राइट टर्न करेंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कोई साइक्लिस्ट तो नहीं है, पेडेस्ट्रियन तो नहीं, क्योंकि देखिए पैदल तो बेचारा पैदल चल रहा है, साइक्लिस्ट अपने पैरों से साइकिल खींच रहा है। जब भी आप इस जगह पे हो, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे बाकी जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाए इंटरसेक्शन पे। अब यहाँ पर आपकी फ्लैशिंग ग्रीन लाइट है, एक तो ग्रीन लाइट है, एक ग्रीन लाइट जो बंद हो रही होगी और जल रही होगी, तो जो फ्लैशिंग ग्रीन लाइट है, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपका राइट ऑफ वे है, तो आप स्ट्रेट जाइए, लेफ्ट भी जा सकते हैं, राइट भी जा सकते हैं, और जितने भी बाकी जो लोग होंगे इसका मतलब होगा कि वो रेड लाइट फेस कर रहे होंगे, ये फ्लैशिंग लाइट का मतलब है। अगर येलो या एम्बर लाइट कहते हैं इसको, अगर येलो या एम्बर लाइट हो, इसका मतलब ये है कि अब ये रेड होने वाला है, अब आप तैयार हो जाइए, रेड होने वाला है। अगर आप ये सेफ है कि आप रुक सकें तो प्लीज़ रुक जाइए, लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में है कि आप रुक नहीं सकते, बड़े कॉशन से आगे बढ़िए।
यहाँ पर आपका एक सिंगल फ्लैशिंग येलो लाइट है, एक येलो लाइट है बस, वो फ्लैश कर रहा है, तो आपको राइट ऑफ द वे तो मिल रहा है, आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत कॉशन से आपको बढ़ना है। आपको लेफ्ट राइट इंटरसेक्शन पे दायां बायां पूरा एक देखना है, रियर व्यू अप मिरर है, सारे चीज़ों से बचने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद फिर आगे बढ़ना है। और अगर आपके पास देखिए एक एक कंडीशन बड़ी आती है इसमें, जो यहाँ पर समझाई जाती है कि आपके पास एक रेड, यहाँ पर रेड लाइट है लेकिन नीचे, यहाँ पर रेड लाइट है लेकिन नीचे आपका ये ग्रीन एरो है, तब आप क्या करेंगे? रेड लाइट है और नीचे ग्रीन एरो है, तो फिर उसमें यहाँ पर एक नीचे ग्रीन एरो है, यहाँ रेड लाइट है, तो अगर आप टर्न कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन ये एरो द्वारा दिखाया जा रहा है, तब तो आपका राइट ऑफ वे है, तब तो आपका राइट ऑफ वे है, उस समय बाकी ट्रैफिक नहीं प्रोसीड करेगा। कहने का मतलब यह है कि ऊपर रेड लाइट है, नीचे वो डायरेक्शन है जहां पर आपको मुड़ना है, तो आप मुड़ सकते हैं, ये इसका कहने का मतलब है। तो ये चीजें हमने देखी, काफी सारी हमने बात की, और एक दो चीजें और इसमें देखते हैं, उसके बाद हम डे एंड नाइट ड्राइविंग पे आगे बढ़ेंगे। तो रेड लाइट है जिसमें येलो एरो है, अब देखिए पहले ग्रीन था तो आप मुड़ सकते थे, अब यहां पर रेड लाइट है लेकिन यहां पर येलो या एम्बर एरो है, तो इसका मतलब यह है कि यह सेफ है, स्टॉप। अब आपको यहां पर टर्न नहीं लेना है, यू शुड नॉट मेक द टर्न, या फिर आपको टर्न लेना भी है तो बहुत कॉशन से लेना है। अगर बहुत सेफ है, आप देख पा रहे हैं कि देखिए मैं रुक सकता हूं अभी, तो रुक जाइए, टर्न मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं रुक जाऊंगा तो कुछ टकराव हो सकता है, तो आप लेफ्ट टर्न लीजिए, लेकिन कॉशन से। ये ग्रीन, ग्रीन में तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, येलो में आपको कॉशन से जाना है, लेकिन जब रेड लाइट हो तो आप जा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आपको व्हाइट लाइन या क्रॉस वॉक के एकदम पीछे पीछे रुकना है। ओंटारियो में आप राइट टर्न ले सकते हैं अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया, यदि लाइट रेड है, लेकिन इससे पहले आपको पूरी तरह रुकना है। जितने भी व्हीकल्स हैं जो, या पेडेस्ट्रियंस हैं जो क्रॉस कर रहे हैं रोड को, उनको सबसे पहले राइट ऑफ वे देना है, और तब आप ओंटारियो में टर्न कर सकते हैं। एक वन वे या वन वे स्ट्रीट में एक लेफ्ट टर्न ले सकते हैं, आपको उससे पहले रुकना पड़ेगा और सेफ्टी देखनी पड़ेगी। ऐसी सिंगल फ्लैशिंग रेड लाइट, अगर सिंगल फ्लैशिंग रेड लाइट है, इसका मतलब आपको रुकना है, बिल्कुल स्टॉप करना है, और जब सेफ हो तब आके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ये सिंगल है, लेकिन अगर फ्लैशिंग रेड रेड लाइट है, ये तीन है ना जिसमें रेड, ग्रीन और आपका येलो आता है, अगर ये फ्लैशिंग रेड लाइट है तो जो स्ट्रीट लाइट है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, वो खराब है। अब आपको यहाँ पर एकदम से स्टॉप पे आना है, और जो इंटरसेक्शन है इसको स्टॉप साइन मानना है, या आपको मानना है कि चारों तरफ स्टॉप साइन है, उसके हिसाब से बढ़ना है। तो फ्लैशिंग लाइट, फ्लैशिंग रेड लाइट मतलब बताता है कि आपको इसको ट्रीट करना है कि चारों तरफ से रोक है। अब हम अगली बार जो डिस्कशन करेंगे वो डे एंड नाइट ड्राइविंग से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।